मोरजम बीच। हाँ वैसे तो यही है, मोरजम बीच में हम पहुंच चुके हैं, ऑलमोस्ट रेडी है। गायें भैंस नहीं होती यहाँ पे, भी होती है नहीं, काफी ऑर्गेनिक होती होंगी। करके चार दिन खत्म कर देते हैं। राम दो आए महाराष्ट्र। इधर यहाँ पे फिश है तो प्राउंस है, प्राउंस नहीं सिर्फ फिश। भाई मजा आ गया, क्या बात है। वो बहुत रेयर होता है ऐसे कि कोई चीज पसंद आती है। तो अभी चल रहे हैं बागा बीच, मिलते हैं आपसे बागा बीच पे। तो गाइस चपोरा फोर्ट से तो फ्री हो गया मैं, अब जा रहे हैं हम मोरजम बीच। वो यहाँ से लगभग 33 मिनट्स दिखा रहा था, 35 मिनट्स है गाइस और 13 किलोमीटर्स है। तो अभी बज रहे हैं 4:13, तो अकॉर्डिंग टू GPS 4:48 तक पहुँचेंगे। तो खैर चल के देखते हैं गाइस कैसे लगता है, क्या है। अब टाइम है थोड़ा सा तो जाके देख ही लेते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या सिचुएशन है। अगर और कहीं जाना होगा तो चले जाएंगे, नहीं तो फिर वो अपने रिजॉर्ट ही वापस चलेंगे। यही मोरजम बीच यही है। हाँ वैसे तो यही है, लेकिन पूरा ऐसे मोरजम बीच ही है, मतलब ये यहाँ से और आगे से भी एंट्रेंस पॉइंट है सबसे, मतलब लेकिन ये वाला कॉमन है थोड़ा। तो गाड़ी आगे तक जा सकते क्या? नहीं यहाँ तक जाएगी। अरे वहाँ नहीं, यहाँ तक जाएगी, यहाँ तो पूरा वो बीच चलो जाए ना, यहाँ तक जाएगी। ठीक है थैंक यू। तो गाइस फाइनली मोरजम बीच में हम पहुंच चुके हैं, और बीचेस गाइस लगभग जो है वो सब एक जैसा ही है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। पर यहाँ पे लोग ज़्यादा मुझे दिख रहे हैं कंपेयर टू जितने भी बीच हाल ही में मैं गया, मतलब हाल ही क्या बहुत ही लिमिटेड बीच में गया हूँ मैं। तो ये कुछ ऐसा व्यू है, और मैं सोचता हूँ यहाँ पे भी एक ड्रोन शॉट लेके आपको दिखाएं कि यहाँ पे व्यू कैसा आता है, यहाँ पे वाइब कैसे आती है। हवा नो डाउट थोड़ी तेज़ है, आई डोंट नो ड्रोन एडजस्ट कर पाएगा नहीं कर पाएगा, बट स्टिल फिंगर क्रॉस। और मैं उम्मीद करता हूँ कि शूट अच्छा हो और आपको भी बहुत लोगों को मज़ा है। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, प्रिपेयर कर रहा हूँ मैं अपना ड्रोन, और व्यू पिक्चर कुछ ऐसा है, ड्रोन ऑलमोस्ट रेडी है। कुछ तो नहीं है, नॉर्मल जैसे बीचेस होते हैं वैसे ही है। मैं आपको अभी आगे का नज़ारा दिखाता हूँ, वो आप देखो। मतलब हमारे दिल्ली में गायें भैंस नहीं होती, यहाँ पे भी होती है, इनफैक्ट बीचेस पे होती है। तो आप उसका अभी नज़ारा दो, मैं आपको दिखा दूँ। ये देखो देखो गायें भैंस यहाँ पे आती हैं। मुझे लगता है गाइस यहाँ की जो गायें भैंस हैं ना, ये काफ़ी ऑर्गेनिक होती होंगी, क्योंकि यहाँ पत्ते आप देख सकते हैं, खाती हैं आराम से बैठ के, और यहीं इनका पानी का काम। और बेचारे को क्या चाहिए, और जहाँ मजे उनको हकना होता है कहीं भी हक देती है। क्यों भाई या। समझ रहे हो आप,
समझ रहे हो। क्या हाल चाल है भैया आपके? सब ठीक है। आप यहाँ गोवा के प्रॉपर है? महाराष्ट्र के। हमारे महाराष्ट्र में भी तो बीच होता है, आपको देख जैसे लग रहा होगा, वहाँ पे भी बीच है, यहाँ पे भी बीच है, बस नाम का फर्क है। कोई सेंस है इस बात की? हमारे तरफ बीच नहीं है, महाबलेश्वर या गणपतिपुळे। गणपतिपुळे में क्या है, पूरे कल्चर अलग है ना महाराष्ट्र का, इधर का कल्चर थोड़ा अलग है, सो उससे बेटर लगता है। अच्छा मुझे बताओ, जो इनकी लहरें हैं, ये जो बीचेस की लहरें हैं, ये आपको कोई ज़्यादा उठती भी नहीं लग रही हैं? ऐसा कुछ है कि मतलब जब रात हो जाती है, जितने जब रात हो रही होती है, रात करीब होती है, तो बीचेस का लेवल जो होता है वाटर का बढ़ जाता है? वो ऐसे तो कुछ देखने में नहीं मिला है अभी। आप इस चीज़ में बिलीव करते हो? बिलीव करते हो? हाँ यस। मतलब कि लेवल बढ़ जाता है रात को बीच में, मतलब पानी का बढ़ता होगा। आप बिलीव करते हो कि रात को चंद्रमा के छाव में जो चंद्रमा होती है उसकी रोशनी इसको वो कर देती है, बेयर्स को बढ़ा देती है, है ऐसा? चलो जो मैंने सुना है वो फैक्ट है। पूनम वगैरह होती है ना? क्या चीज? पूनम। हाँ हाँ, वो टाइम में बार भाटे का समय रहता है, उस टाइम में लहरें ज़्यादा बढ़ती। अच्छा जी। हाँ भाई देखो, अगेन बारिश का मौसम हो रहा है। जैसे यहाँ का मौसम का क्यों ऐसा रहता है, कभी कुछ कभी कुछ, कभी बारिश तो कभी तुम धूप, कभी बारिश धूप, ऐसा क्यों है? यहाँ के मौसम को कुछ टाइम ही नहीं है, एक 5 मिनट में बारिश हो जाएगा, 5 मिनट और वो भी होगी बहुत तेज, एकदम रुक जाएगी, 5 ही मिनट में आएगी, 5 ही मिनट में बंद हो जाएगी ये। अच्छा वो जो पहाड़ है आगे, वो कौन सा पहाड़ है कुछ पता है आपको? नहीं। तो चलो गाइस, यहाँ पे बस इतना ही, अंधेरा वैसे ही हो रहा है, तो अब चलते हैं अपने, अब और कोई जगह देखने के लिए इस वक्त, या मैं कल ही देखूँ? आप बताओ। अभी तो 7 बजे तक तो ठीक है ना? नहीं भाई, जाना भी होगा ना, होटल भी अपना रिजॉर्ट भी है, वहाँ पे भी जाना है, वहाँ पे पता नहीं कितना टाइम लगे पहुँचने में, देर ज़्यादा ना हो जाए। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, नाइट लाइफ भी है गोवा जैसे आपके दिल्ली में होता है। पंजिम जाना पड़ेगा नाइट लाइफ के लिए? आपको कैसीनो मिल जाएगा, पब मिल जाएगा, बार मिल जाएगा, बहुत कुछ मिलेगा। और बागा बीच टीटो लेन के पास ही है क्या? यस। बागा बीच अलग है? मरीमार बीच, मरीमार मारीमार बीच है। अच्छा प्रॉपर पंजी में, मतलब कसीनो मिल जाएगा, कसीनो जुआ वुआ मेरे टाइप का नहीं है भाई। मैं तो मिल जाएगा एंजॉय, आप आए हो दिल्ली से एंजॉय के लिए, तो मैं वही पूछ रहा हूँ ना आपसे कि मतलब मेरे पास सिर्फ कल का दिन है, अब मैं कल के दिन में क्या क्या करूँ मुझे आप ये बताइए, और आज जो दिन बचा है मैं क्या करूँ? दिल्ली से नाइट में एंजॉय कीजिए ना, अभी आ रहा आप पब में एंजॉय कर लीजिए, रशियन पब भी मिलेगा आपको पंजी में, बहुत महंगे होंगे ना वो, 2000 महंगा है। कहाँ पड़ता है ये पब? पंजिम। यहाँ से कितनी दूर है? 30 किलोमीटर है। मुझे टीटो से बताओ, टीटो से जाने का मन है मेरा, बहुत सुना है मैंने यूट्यूब पर, हाँ बाहर का अच्छा आपको तो पता नहीं है। ठीक है भाई देखो, धीरे ये मौसम बहुत प्यारा होता जा रहा है, जैसे जैसे शाम हो रही है मौसम बहुत प्यारा होता जा रहा है, और कैमरा में पता नहीं आप जस्टिस हो पा रहा होगा या नहीं हो पा रहा होगा, लेकिन आई एम रियली लाइकिंग द वेदर, द एयर, द व्यू, बेसिकली इट्स टोटली ऑसम, माइंड ब्लोइंग, आउटस्टैंडिंग, फैंटास्टिक, इतना अच्छा व्यू मेरे को नजर आ रहा है। अच्छा मुझे भैया ये बताओ, ये जो झंडा है आगे लाल रंग का झंडा, ये क्यों लगाते हैं बीच पे? रेस्क्यू टीम के लिए, वाटर लेवल उसके आगे जाना था, ऐसा होता। तो मतलब कहाँ पे? लाल जो लाल नक्कल बना हुआ है वो रेस्क्यू टीम, वो तो एक ही बंदा है, एक ही बंदे की टीम है क्या? नहीं नहीं पूरी टीम है, ये इधर गाड़ी भी आएगा अभी। अच्छा तो ये फ्लैग क्यों लगाते हैं? ताकि इससे आगे ना बढ़े, लेकिन लोग इससे आगे बढ़े हुए लोग रूल्स तोड़ने के लिए तो बने तोड़ने के लिए। चलो थैंक यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा, फिर मुलाकात होगी। आपका फोन आपके बंद है, वो तो चालू है, घंटी बज रही है, तो सब्सक्राइब कर दो, खोलो। क्या नहीं खोल रहा? ये भी स्विच ऑफ है, मैं सोच रहा मैं सब्सक्राइब करवाऊंगा, एक सब्सक्राइबर और बढ़वा लूंगा थोड़ा सा। या मैं लिख के ले जाऊंगा। पेन पेपर दो, पेन
मिल रहा है क्या? सर्च कर रहे हैं आप? मेरे भैया चार चैनल हैं, एक संगीत के बारे में है, एक गाड़ियों के बारे में बताता हूँ, एक व्लॉग के बारे में जिसमें ये सब डालूंगा, और चौथा जो है प्रैंक, लोगों के साथ मजाक वजाक करते हैं उसका। आपका नाम? यूट्यूब पर आप फोन निकालिए ना, यही फोन है उनका। अभी क्या है ना, जैसे आप प्रैंक करते हो वैसे ही मैं कॉल पे बात कर करके चार्जिंग खत्म कर देता हूँ। बड़े हरामी हो बेटा। दो मोबाइल है, दोनों भी बंद है। वैसे पिन कौन सी लगती है? सी टाइप सी पिन लगती है। तो गाइस देखो ये कि पीछे का व्यू है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अंधेरा वैसे हो गया, अब मुझे ऐसा लगता है शायद होटल जाना चाहिए, जो अपना छोटा सा रिजॉर्ट है वहीं पर कुछ मंगा के खा लूँगा। लंच मैंने वैसे अभी किया नहीं है, लंच मैंने किया नहीं भैया, शौक में यहाँ पे आ गया, पहले वहाँ गया, कौन सा फोर्ट था वो? पंप में जाइए भैया। क्या चीज़? पंप में जाइए, 600-800 रुपये में बताया, 800 रुपये में आपको। नहीं देखो मैं आपको बताऊँ, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं देखो डांस वांस करना तो अलग बात है, लेकिन दिखाना है ना। नहीं नहीं वो आपकी बात सही है, लेकिन दारू पीना ये सब करना मुझे नहीं पसंद। नहीं देख तो सकते हो, एंजॉय तो कर सकते हो, डांस कर सकते हो। नहीं रात में तो वहाँ पे सब चढ़ती बढ़ेंगे, वहाँ पे तो वो रिस्की लगता है मुझे। नहीं नहीं नो डाउट, मुझे जाने का मन तो है लेकिन रिस्की बहुत लगता है। फ्री माइंडेड भी होती है कुछ वो आपकी बात। नहीं आपकी बात चलो मैंने माना, ठीक है जो आप कह रहे हो मैंने मान लिया, लेकिन वहाँ पे शराबी पी के टल्ली हुए होते हैं, कोई कुछ भी कर सकता है, तो वो डर मुझे बहुत है। मैं आया हूँ अकेला हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, हर आदमी शराबी नहीं होता है, अगर कोई होता है तो कोई शौक के लिए पीता है। फुल टल तो मैं वही तो कह रहा हूँ, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, अगर मैं किसी के साथ आया होता ना तो मैं वहाँ चला जाता, जो मेरा दिमाग कह रहा है। चलो हमें ही पार्टनर बना लो। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। आपका फोन तो बंद है। पार्टनर क्यों लगते हैं यार, हम दो आए महाराष्ट्र से, वो भी गाड़ी लेके फोर व्हीलर इधर लॉज पे लगा है होटल पर। हमने तो यहाँ पे रेंट पे ली थी, एयरपोर्ट से आए, गाड़ी वाड़ी देखी, उनसे बात करी, रेंट पे लेके आ गए। मैं तो सोचा मैं फ्लाइट के टिकट में हमारा आना जाना हो जाएगा इधर महाराष्ट्र में। नहीं बताया थी बात के साथ, वो तो मैं कह रहा हूँ डिस्टेंस कम है ना। हाँ और दिल्ली से आने का डिस्टेंस आता है। हाँ ये चीज़ है, बट ये भी 700 किलोमीटर है। आप मुझे पता नहीं भाई मेरा कितने किलोमीटर हुआ होगा, मुझे उसका आइडिया नहीं है। दिल्ली? हाँ दिल्ली यहाँ से तकरीबन 900-1100 होगा। 1100 किलोमीटर हवाई जहाज पता है कितने पे चल रहा था? मैंने इसमें वो लगा रखा था वो स्पीडोमीटर, हवाई जहाज चल रहा था 870 प्रति घंटा। हाँ तो आपको आने में कितना और लगा? 2 घंटे लगे पहुँचने में। 2 घंटे 1760 किलोमीटर कुछ ऐसे कुछ होगा। चलो अंकल थैंक यू, मैं निकलता हूँ, देर बहुत हो गई। आपने मेरे को बर्दाश्त किया, थैंक यू उसके लिए, आपने मेरे को बर्दाश्त किया यार, ऐसे फ्रेंड कहीं कहीं मिलते हैं। तो मैं भैया मैं वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आपसे भी सब्सक्राइबर से भी कहना चाहता हूँ कि गाइस अगर आप मैं शराब को प्रमोट नहीं कर रहा बिल्कुल भी, लेकिन अगर आप वाइन के शौकीन हो तो ही आप वहाँ पर जाओ, टीटोस लेन में कुछ में पब में जाओ। उसके मैं एक कंजर्वेटिव फैमिली से हूँ, तो मैं ये पब नो डाउट डांस तो करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ सब पेकड़ होते हैं, आजू बाजू घूमते हैं, तो नो डाउट टीटोस लेन काफ़ी अच्छी होगी। आप कह रहे हो काफ़ी लोग मैंने वीडियोज़ में देखी है, नो डाउट अच्छी होगी, लेकिन मैं वहाँ जाना अवॉइड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे सब टल्ली होकर घूम रहे होंगे, कुछ भी हो सकता है, मैं हूँ अकेला सोलो ट्रैवलर, पहली बार है, तो आई एम अवॉइडिंग इट। कभी और मौका मिलेगा तो कभी और देख लेंगे, है ना? आप सहमत हो ना भैया मेरी बात से? कि अगर किसी के साथ आया बंदा तो चलो वहाँ पे चला जाएगा, एक और 11 हो जाते हैं, अगर अकेला बंदा जाएगा 19-21 हो गई तो फिर क्या होगा? सेफ्टी का क्या है? आप तो भाई प्रॉपर दिल्ली से हो, तो दिल्ली में इससे बढ़िया कल्चर है। फ्री माइंडेड लोग हैं ना, हैं यार, गर्ल्स सेफ्टी है, गर्ल्स तो आप तो वैसे बॉयज हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आना चाहिए। आना तो नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मैं अपनी लाइफ को रिस्क नहीं कर सकता, वैसे प्रेशर बहुत है। जैसे आप कहो बागा बीच तो अच्छा है ना, पॉश है, बागा बीच तो पॉश है ना। हाँ बागा बीच बहुत अच्छा है ना, तो एक जैसे होता है ना कि अच्छी चीज़ें आखिर में होती हैं, मूवी से भी ऐसी होता है ना, अच्छी चीज़ आखिर में होती है, मैं तो अच्छी चीज़ है बागा बीच, तो बागा बीच में देख लूँगा, तो ठीक कह रहा हूँ ना। आइएगा महाराष्ट्र, आएंगे आएंगे जरूर। महाराष्ट्र में बहुत कुछ है यार हमारे। क्या क्या बताओ? गढ़ किले है, सब है। क्या है? ट्रेक करते हो अगर तुम, ट्रेक ट्रेकिंग
तो ट्रैकिंग के लिए महाराष्ट्र से बढ़िया कुछ भी नहीं। वो दिल्ली फोर्ट क्या है? वो दिल्ली फोर्ट आपका फोर्ट फायरे वाला है, हमारा फोर्ट ट्रैकिंग का है। ट्रैकिंग का स्पेशल लोग का फॉरेन से भी आते हैं। नाम क्या है, नाम क्या जगह का? रायगढ़ आई है, नहीं मैं नासिक में हरिहरगढ़। अच्छा, आपके यूट्यूब पे सर्च कर दो। आपका आपका नाम क्या है? आपका नाम पूछा स्वप्निल जायसवाल। स्वप्निल जायसवाल, स्वप्निल जायसवाल। अंदर आपका नाम क्या है? विपुल जायसवाल। दोनों भाई हो क्या? मामा भांजे। मामा भांजे, मैं पता है मैंने जब अभी सुना ना मामा भांजे कह रहे हैं, मुझे अपने भांजे की याद आ गई। मेरे भांजे का स्कूल रोल था, मतलब वो भी आता था मेरे साथ। मेरे भांजे की मेरी बहुत जमती है। अरे मेरे भांजे तुम देख रहे हो तो यार, मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ यार, सीरियसली। और किसी को करूँ ना करूँ तुम्हें ज़रूर कर रहा हूँ। तो क्या पता है इस वीडियो के माध्यम से तुम वीडियोस देख के तुम्हें और अच्छा लगे, तो मैं तुम्हारे लिए तो बना ही रहा हूँ, बाकी और लोगों के लिए बना रहा हूँ ताकि लोगों को थोड़ा बहुत पता चले। भैया क्यों पीते हो फिर ये? चलो कोशिश करना कि छोड़ दो। ओके भाई मैं निकलता हूँ, बाय बाय। आपका चैनल को ये बेटे को आपको सब्सक्राइब करने लगा था, इसी देखभाल करो उसकी मेरे बेटे को। और आपकी आई डी पूरी कोई ओपन करके आप पेन पेपर से नोट कर लो ना। अभी फोन लगा कर आप बोल दो ना, ये व्हाट्सएप कर दो ना, ये व्हाट्सएप कर दो ना आपको। तो गाइस मैं चैनल का नाम व्हाट्सएप कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ ये भैया सब्सक्राइब कर देंगे। कर देंगे, चलो हमसे 10 सब्सक्राइबर आपको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हमारे से होता है ना, हमारा भाई है कोई है, उसके मोबाइल से भी सब्सक्राइब करेंगे, क्या दिक्कत है? हमें तो कोई पैसा नहीं लगने वाला है सब्सक्राइब। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, सब्सक्राइब कर देंगे। तो गाइस अभी मैं ये वीडियो को अभी यहाँ फिलहाल बंद कर रहा हूँ, और इनको अपना नंबर देके, और मतलब नंबर इनका नंबर लेके इनको व्हाट्सएप करके मैं फिर इनको चैनल का नाम भेजता हूँ, तो उसके बाद मैं निकल रहा हूँ। तो गाइस मैं यहाँ पे आया हूँ, ये रेस्टोरेंट है, अभी आपको दिखाता हूँ, क्यों आया हूँ वो भी बता दूँ। सो गाइस इस रेस्टोरेंट में मैं आया हूँ, और क्यों आया हूँ इसकी वजह ये है क्योंकि काफ़ी टाइम से वेज या फिर नॉर्मल KFC टाइप का चल रहा था। अब यहाँ पे फिश है, तो फिश का देखते हैं जो दिख रहा है मुझे, कुछ अगर फिश का आइटम मिलता है तो फिश का आइटम खाएंगे, नहीं तो भी देख लेंगे जैसा भी होगा। तो स्टे ट्यून्ड। तो ये भाई हैं, मैंने इनसे पूछा भी फिश का कोई आइटम है, तो कह रहे हैं हाँ है। तो अब मैं फिश वाला मेन्यू दिखा दीजिए, क्योंकि मैं चिकन खा के तो पक गया हूँ, तो थोड़ा फिश में देखते हैं जो समझ में आएगा वो लेंगे, और उसके बाद उसका क्या टेस्ट होगा मैं आपको भी बताऊँगा, और फिर बाकी बात इनसे करेंगे कि अगर कोई यहाँ गोवा आए, नॉर्थ गोवा, तो उनके रेस्टोरेंट पे कैसे आए क्या है, थोड़ा ये भी जानने की हम कोशिश करेंगे। फिश में अपना प्रॉन्स है। प्रॉन्स नहीं, सिर्फ फिश। फिश में क्या क्या है स्पेशल मेनू? हम फिश का नहीं रखते हैं सर, हम लोग मॉडिफाइड, जैसे फ्रेश फिश अवेलेबल होता है, जैसे कि आज हमारे पास किंग फिश है, फ्रेश भांगड़ा है, फ्रेश लेडी फिश है, जो हिसाब से अभी बारिश का सीजन था। अभी हम लोग फ्रोजन फिश नहीं रखते, जो भी है मार्केट से फ्रेश लेके आते हैं। आज का हमारा फ्रेश कैच है जो है किंग फिश, लेडी फिश और बांगड़ा। तो ये हमें कैसे पता चला है कौन किस टाइप का है, क्या है, लाइक वो बनने में कैसा लगता है, क्या पता? फिश मतलब सुरमई, जो आप सुरमई बोलते हैं इसको। अच्छा, गोवा में वो किंग फिश बोलते हैं, वो कट पीस होके आते हैं, स्पेशल थाली के लिए देते हैं और प्लेट में भी सर्व करते हैं। वो आपको जैसे कि आप किंग फिश रवा मसाला ले सकते हैं, रवा फ्राई ले सकते हैं, किंग फिश नॉर्मल जो फिश फ्राई होती है, नॉर्मल फिश फ्राई जो होती है सुरमई, रवा फ्राई होती है वो, रवा उसको रवा फ्राई बोलते हैं। हाँ, रवा मसाला फ्राई बोलते हैं, जो गोवा का स्पेशलिटी है। अच्छा। जो गोवा में हर जगह मिलेगा। उसका क्या रेट है? उसका 400 रेट है हमारे यहाँ। वो हाफ के जी? हाफ के जी नहीं सर, वो 2 पीस आता है। सबसे सस्ता आपको इधर ही गोवा में हमारे पास फिश मिलेगा। जी आप इफ यू गो टू कलंगुट बागा उस साइड, आपको कम से कम 1500 रुपीज़ चार्ज करेंगे। अच्छा जी, नहीं अगर मुझे पसंद नहीं आया तो? पसंद नहीं आया तो आप पैसे वापस ले सकते हो, कोई मुझे मुझे पता नहीं ना कि वो उसकी प्रेजेंटेशन कैसे होगी, क्या होगी। मैं दिल्ली का लौंडा हूँ, दिल्ली में अलग टाइप की फिश होती है, इस वजह से कह रहा हूँ। मन तो फिश का है ना? आप खाके देखो सर, आपको नहीं पसंद आया तो आप पैसे वापस ले। चलिए तो मैं अभी ले रहा हूँ। दूसरी बात मेरे को आप ये बताइए, अगर कोई जैसे कि मैं दिल्ली से हूँ, कोई भी अगर टूरिस्ट ऑल ओवर इंडिया में से कोई अगर आपके पास आए दिल्ली में, कहाँ से? हाँ दिल्ली में तक से। नहीं दिल्ली में, नई दिल्ली से हूँ। कोई अगर आपके पास कहीं से भी ऑल ओवर दिल्ली या फिर वर्ल्ड में से कहीं भी आपके पास इस पे आए, तो आप कुछ कैसे बताओगे कि हाँ आपका रेस्टोरेंट यहाँ पर है,
तो आप ऐसे ऐसे आ सकते हो। हाँ, हमारा गूगल पे भी लिस्टेड है। आपने अपना बोल रहे थे दिल्ली से, तो आपने मेरा रेस्टोरेंट का ओपन करके देखो, वहाँ से एक राहुल ब्लॉगर जैसे उसने ब्लॉग करके बहुत बड़ा मेरा डाला है रेस्टोरेंट का। जैसे कि आप गोवा में आएंगे सीधा, तो नॉर्थ गोवा में हमारा ये रेस्टोरेंट बेस्ड है, नियर सेंटर ऑफ द हार्ट इन शिवोलिम। जैसे कि इधर से बागा, कलांगूट, इस साइड में मोरजीम, मानरेम, सबके सेंटर में है। आप देख रहे हो इधर बहुत बड़ा फेमस जो तलासा पब है, विच इज़ जस्ट 2 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम यर, बहुत फेमस है, पूरी दुनिया में फेमस है वो। एकदम तलासा में जाओगे तो आपको बुकिंग ही रहती है उधर, दो दो तीन दिन पहले बुकिंग करना पड़ता है। और जो शिवोलिम है वो सेंटर ऑफ हार्ट ऑफ द गोवा है, जैसे कि इधर से सब जगह नज़दीक है, और ये बीच लाइन है, बीच बेड लाइन है, और हमारा जो रेस्टोरेंट है 24 आवर्स ओपन रहता है, सब कुछ अवेलेबल है। और 24 आवर्स ओपन मतलब सातों दिन 7 डेज 24 आवर्स ओपन है। क्या बात है, तो सबके अलग अलग शिफ्ट होती होंगे फिर तो? हाँ, दो शिफ्ट में काम होते हैं। तो आपकी टाइमिंग से होंगी सुबह आने की, जैसे फॉर एग्जांपल आप कितने बजे आते हैं? मैं सुबह आता हूँ 7 बजे, तो मैं रात को 11 बजे वापस आता हूँ, बाद में मेरे सब बंदे संभाल लेते हैं। वाह भाई, सीरियसली। अच्छा मुझे बताओ फिश में मैं क्या क्या ले सकता हूँ, कोई फिश करी में कुछ है? फिश करी आपको अगर इंडियन स्टाइल में खाना पसंद होगा तो किंग फिश करी मसाला बना सकते हो। नहीं, जैसे आप और भी चीज़ें देते हो ना, पता नहीं करी वो फिश करी के साथ अलग अलग चीज़ें देते हो, वो नहीं मुझे देखिए। चावल और नॉर्मल फिश करी, छोटे 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 पीसेस करके मिलेगा, चटपटा मसाला करके 100%। तो आप गोवन करी खाना पसंद? हाँ, गोवन करी मतलब गोवन करी बनाते हैं स्पेशल, फिश करी गोवन स्टाइल में, गोवन स्टाइल में करी बनाते हैं। मतलब कोई फोटो वोटो पूछा कि? हाँ, गोवन स्टाइल में हमारा फिश करी जो बनाते हैं। एक बार फोटो वोटो दिखा दो किस टाइप का होता है। ताकि हमको इंडियन में चाहिए तो इंडियन ग्रेवी में भी बना सकते हैं फिश करी। इंडियन ग्रेवी में कैसे है वो? अगर मैं अभी चिकन मसाला लेते हो, चिकन मसाला इंडियन ग्रेवी में जैसे खाते हो, वैसे ही उसमें सेम मसाले में आपका किंग फिश आएगा उसमें। जैसे कि फ्राई होता है पहले किंग फिश, बाद में करी में छोड़ देते हो इंडियन ग्रेवी, क्योंकि ज़्यादातर लोग अभी जो भी नॉर्थ साइड से आते हैं, ऊपर के साथ दिल्ली साइड से आते हैं, तो लोग वैसे ही खाना पसंद करते हैं। गोवन उनको थोड़ा, गोवन हमारा नारियल का झाड़ से नारियल होता है ना, उससे किस के वो ग्रेवी बना के बनाते हैं गोवन करी। नहीं, मुझे पसंद आ गया, आना चाहिए। तो आपको इंडियन स्टाइल में बना के देता हूँ, ज़रूर पसंद आएगा। इंडियन स्टाइल में वो कर दीजिए, और फिश फ्राई जो होती है नॉर्मल किंग कर दीजिए। तो मैं टोटल कितना हो गया? टोटल आपका हो गया सर 400 और 400 800 रुपीज़ हो गए। कोई डिस्काउंट तो कर दो भाई, और 100 रुपया हो, 110 रुपया इसका भी डिस्काउंट नहीं पकड़ा मैंने राइस का वो तो आपको डिस्काउंट पकड़ लेता हूँ। थोड़ा थोड़ा और कर दो। नहीं सर, इतना भी अभी आप उधर से जाओगे तो नेक्स्ट टाइम किधर खाओ और आप देखो कितना महंगा आपको पड़ता है। मैं आपका 800 दूँ ना? हाँ ठीक है, कर दिए। मज़ा आ गया, क्या बात है सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत मज़ा आ गया। मैं जब भी जाऊंगा कोई यहाँ पे आएगा मेरा जान पहचान का, बोलूँगा जरूर कि श्रद्धा क्लासिक पे आए, और अच्छा रेटिंग दे देना हमको गूगल पे। ये बोलो आप सर, प्लीज़ डू विजिट आवर रेस्टोरेंट, आवर रेस्टोरेंट इज 24/7 चलता है, सब साउथ इंडियन से लेके ब्रेकफास्ट लंच डिनर सभी कुछ। Can check my Google rating and please do visit on my restaurant and taste our food. Thank you so much. मुझे गाइस थोड़ा डाउट था कि भाई सही होगा नहीं होगा, एक मंगवाया दो चीज़ मंगवा ली साथ में, मैंने कहा चलो अच्छा है एक और मंगवाया। तो बहुत रेयर होता है ऐसे कि कोई चीज़ पसंद आती है, मैं आपको जनरली बताऊँ वो भी अलग स्टेट में, आप समझ लो ना अलग स्टेट में, अपने स्टेट में तो थोड़ा बहुत आइडिया होता है क्या चीज़ कैसे होगी, यहाँ आइडिया बिल्कुल भी नहीं था। तो एक चीज़ आई तो मुझे अच्छा लगा, मैंने एक और मंगवा ली, फिर वो दोनों चीज़ें रिपीट करवा ली, तो नो डाउट काफ़ी सही लगा मुझे। और जो भी गोवा है खासतौर पे नॉर्थ गोवा वहाँ यहाँ पे ज़रूर आए, खासतौर पे आए ज़रूर, और हाईली रिकमेंड। अच्छा कोई मेरे भी ब्लॉग से अगर कोई आया तो डिस्काउंट मिल जाएगा उसको? हाँ, देखा आप लोगों ने डिस्काउंट नहीं, मेरे लिए एक भी डिस्काउंट नहीं किया सर, दिया ना चलो ओके भैया, थैंक यू सर। आपका गुड नाम? किशोर।
कुमार किशोर दरगाह। सी यू, बाय बाय। गाइस प्लान में थोड़ा चेंज है, मैं अपने रिसॉर्ट नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूँ बागा बीच, वहाँ पे नाइट लाइफ देखेंगे थोड़ा कैसे है, और अगर पॉसिबल हो तो मैं वहीं डिनर कर लूँगा। वैसे सॉरी, डिनर करने की मैं अभी पोजीशन में नहीं हूँ। अच्छा मैंने फूड खाया, आपने देखा ही होगा, तो नो डाउट सब चीज़ बढ़िया थी। तो अभी असल मुझे भूख नहीं लग रही, बाकी देखते जैसा भी होगा। तो राइट नाउ आई एम नॉट फीलिंग दैट मच हंग्री, और चलते हैं बागा बीच, और लगता है जब लगभग अंधेरा हो जाएगा तभी पहुँचेंगे। तो बस ट्यून गाइस, 27 मिनट 11 किलोमीटर, यानी कि मान के चलो लगभग आधा घंटा लगेगा। तो बस स्टे ट्यून, मिलते हैं आपसे बागा बीच में।